सो हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज रहे हैं 8 आई गेस। क्या व्यू है भाई, मेरा दिल को खुश करने वाला व्यू। सो भाई, कल तक हम बिल्कुल थके हुए थे बट मेरी नींद खुल गई 6:45 पे एंड बहुत सही व्यू हो रहा था। फिर मैं तुरंत नहाने गया एंड देन अब उसके बाद फिर बोला अपने दोस्तों से कि चलते हैं कहीं, ज़रा एक्सप्लोर करते हैं आसपास यार। तो अपने साथ 3 लोग तैयार तो हो गए, बाकी 2 लोग अभी सो रहे हैं। सो कोई नहीं, जितने हैं उतने ही सही। ये चमचमाती हुई रोड यार, अल्टीमेट मैन। अरे भाई जहर, आज है आपका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 26 तो मैं आज बोलूंगा डे 5 है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ये आज है ट्यूसडे, तो आज अपना 5वां दिन। आप बस इसको देखते रहो और व्यू का मजा लेते रहो। क्या बात है भाई, हम यहाँ इतने रात में आए थे ना यार, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया हमारे लिए। बट एनीवेज, अभी जब तक है तब तक तो मजे करेंगे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब तक तो आपको काफ़ी अच्छे व्यू देखने को मिल गए होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गोरखपुर टू दिस कुफरी। सब लोग सही से पहुंच गए बिना किसी प्रॉब्लम के। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, यही सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर जस्ट अ स्मॉल राइड। और ये काम हम गोरखपुर में करते थे, कि मॉर्निंग राइड निकल गए, तो अब ये काम हम इस पहाड़ों में कर रहे हैं, और वो भी वीकेंड में नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल वीकडेज में कर रहे हैं। सो सोच लो, मतलब डेडिकेशन देख लो आप बस लड़कों का। ये बंदा जो कभी सुबह उठ के नहाता नहीं था, ये इसने 7 बजे नहाया, मतलब बहुत बड़ी बात है। वाह मैन, ये व्यू देखो यार, कुछ है इसका मुकाबला नहीं। Amazing man. भाई के साथ यही एक अच्छी बात लगती है यार मुझे, कि आपको किसी के आप किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। आप अपनी बाइक लाए हो अगर, तो आप अपनी बाइक उठाओ और निकल जाओ। क्या आधे घंटे तक चलते रहना था, जो व्यू पॉइंट दिखे रुक जाओ बस, ठीक है चलो। ये सुबह सुबह की रोड को एक्सप्लोर करने का मजा तो नेक्स्ट लेवल का है। जस्ट अमेजिंग यार, यार इन सब चीज़ों को देख के सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का, जो कि मुझे यार इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेके आ सकूँ। देखने से तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बट अगर एज ए इंडिविजुअल मैं बोलूँ तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि अपनी बाइक से इतनी दूर तक आ जाना सेफली। पहाड़ों पर अलग से सांस फूलती है भाई, यहाँ पे ब्रेक लेना तो वर्थ था भाई। एंड सबका ऑफिस भी है तो लॉगिन भी करना है, सो दैट्स व्हाई अब निकल रहे हैं वापस। ओ भाई इतना सही व्यू था यार, मैंने मेरा कैमरे का बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी बट मैंने तुरंत दूसरा बैटरी लगाया।
राइट में बिल्कुल मस्त सा व्यू, तो फिर क्या ही बोलना होगा, बस मन कर रहा चलते जाओ। ज़्यादा ही तंदुरुस्त है भाई, क्योंकि यहाँ ठंड भी तो बहुत होती है। ओ भाई साहब, ओ भाई कितने कुत्ते हैं यार, हमारे यहाँ जैसे कुत्ते तो नहीं होंगे ये। देखिए बहुत खतरनाक राइडर हैं ये, काफ़ी लद्दाख वद्दाख कर चुके हैं ये, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ये, मतलब लगते बच्चे से हैं लेकिन है एक्सपीरियंस, बहुत काफ़ी सही एक्सपीरियंस है इनका राइडिंग का। ये भी है, ये नया है, सीख रहे हैं अभी थोड़ा। बाकी हमारे वो जो BMW वाले प्रो राइडर हैं उनसे अच्छा तो कोई नहीं है भाई। देख रहे हैं आप गेटअप, देखिए एक बार ये। और भाई मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये देखी है कि रोड के मामले में भाई यहाँ की सर्विस बहुत सही है। अगर जैसे कुछ भी टूटा मतलब कोई भी पैच वगैरह हो तो काफ़ी जल्दी यहाँ रिकवर हो जाता है। अभी ये देखो यहाँ शायद नई रोड बन गई, अभी हम जब आए थे दो दिन पहले, एक दिन पहले, तो ये ऐसा नहीं था अपना।